टाइप 1 सिविलाइजेशन की कॉन्सेप्ट एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करता है जहां मनुष्य न केवल अपने होम प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं बल्कि पृथ्वी की सीमाओं से परे भी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। अगर मानवता टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो ये हमारी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ एक रिमार्केबल और एडवांस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट का संकेत होगा। इस वीडियो में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन की विशेषताओं और आकांक्षाओं को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है और इस प्रकार के एडवांसमेंट को हम कब तक हासिल कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। कार्डाशेव स्केल पर टाइप 1 सिविलाइजेशन को एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन या ग्लोबल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार की सिविलाइजेशन को सोलर पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे शक्तिशाली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर निर्भर होने की संभावना है। टाइप 1 सिविलाइजेशन का एनर्जी कंजम्पशन लेवल पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10^16 और 10^17 वाट के बीच है उसके बराबर होगा, जो प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन की तुलना में लगभग 1000 गुना ज्यादा है। टाइप 1 से आगे की सिविलाइजेशन के बारे में और जानकारी हासिल करना हो तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक सुपर एडवांस्ड ग्रुप की तरह है जो अपने होम प्लैनेट पर उपलब्ध सभी एनर्जी रिसोर्सेज पर महारत हासिल कर लेंगे। ओशियन टाइड से लेकर वॉल्केनो तक एनर्जी के हर कंसीवेबल फॉर्म्स को हार्नेस और यूटिलाइज किया जाएगा। एनर्जी सोर्सिंग में ये महत्वपूर्ण बदलाव पॉसिबली फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी के अंत की शुरुआत करेगा। इसके बजाय क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बोलबाला होगा जो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करेगा जहां आसमान साफ और हवा शुद्ध होगा। वे न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और यहां तक कि एटॉमिक फ्यूजन जैसी चीजों से वे अपनी पावर, इंफॉर्मेशन और रॉ मटेरियल्स हासिल करेंगे। एक ऐसे समूह के रूप में टाइप 1 सिविलाइजेशन की कल्पना करें जो अपने ग्रह पर पड़ने वाली सभी सनलाइट को अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस एडवांस्ड अर्थ का लैंडस्केप सोलर पैनल की विशाल श्रृंखला से सजा होगा। इसके अलावा वे बड़ी मात्रा में विंड टर्बाइंस, टाइडल एनर्जी और एक्सपेंसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से एनर्जी हासिल कर सकते हैं और वे वोल्केनोज की पावर को भी हार्नेस कर सकते हैं। प्लैनेटरी पावर से जुड़ी हर चीज उनके अधीन है। मानवता के पास मौसम को कंट्रोल करने की बेजोड़ क्षमता होगी। अब वे रेनफॉल को प्राकृतिक इच्छा के अनुसार नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसे इच्छा अनुसार बरसाया जाएगा। इसी तरह तूफान और बवंडर जैसी संभावित विनाशकारी मौसम संबंधी घटनाओं को कम किया जा सकता है या रोका भी जा सकता है। वे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हुए एटमॉस्फेयर में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। वे भूकंप, सुनामी या तूफान के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं और इससे निपटने के लिए वे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को नियोजित कर सकते हैं जो आपदाओं का सामना करने में सक्षम होंगे, जैसे कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स या फ्लड रेसिस्टेंट सिटी लेआउट्स, और यहां तक कि समुद्र पर पूरा शहर का निर्माण करने जैसा काम भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम फूड आइटम्स को प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। स्काईस्क्रेपर्स जितने ऊंचे वर्टिकल फार्म्स प्रचुर मात्रा में फसल पैदा करने के लिए एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को विविध वातावरणों में पनपने के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि लैब ग्रोन मीट्स ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक फार्मिंग से जुड़े एथिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज के बिना हमारी डाइटरी नीड्स को पूरा कर सकता है। और नैनो फैक्ट्रीज के आगमन के साथ विश्व की भूख को समाप्त करने का सपना एक ठोस वास्तविकता बन सकता है, क्योंकि फूड आइटम्स एफिशिएंटली और प्रचुर मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सकता है। पानी अब एक दुर्लभ वस्तु नहीं रहेगी। हम नियर इन्फिनिट एनर्जी रिसोर्सेज की बदौलत विशाल मात्रा में सी वाटर को ताजे एवं पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे पानी की कमी खत्म हो जाएगी। टाइप 1 स्टेटस प्राप्त करने से मेडिकल साइंस में महत्वपूर्ण सफलताएं मिल सकती हैं, जिससे संभावित रूप से बीमारियों का सफाया हो सकता है।
वे बीमारियों से छुटकारा पाने और एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए मेडिसिंस में सफलता हासिल कर सकते हैं। हार्ट, आइस, लंग्स और कुछ अन्य ऑर्गन्स की जगह सिंथेटिक ऑर्गन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है। सिंथेटिक ब्रेन्स भी मौजूद हो सकता है जो यूजर्स को हाई इंटेलिजेंस, मेमोरी कैपेसिटीज और प्रोसेसिंग स्पीड्स प्रदान करेगा। नैनोबॉट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम की निगरानी कर सकते हैं, रियल टाइम में बीमारी की पहचान कर सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन ह्यूमैनिटी के एसेंस को फिर से रीडिफाइन करेगा। एक पोटेंशियल एडवांस्ड फ्यूचर की कल्पना में हम पाते हैं कि पृथ्वी एक स्वप्नलोक में तब्दील हो गई है। सदियों की ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा नेचुरल हैबिटेट्स पर कहर बरपाने और विनाशकारी क्षति पहुंचाने के बाद पृथ्वी का इकोसिस्टम अब रिस्टोरेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अर्बन एक्सपेंशन, वॉर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और जेनेटिक एंड नैनोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम गंभीर थे, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। हालांकि मानवता इन इफेक्ट्स को रिवर्ट करने के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करेगी। फॉसिल रिकॉर्ड, डीएनए सैंपल्स, कंप्यूटर मॉडल्स और मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन का लाभ उठाते हुए विलुप्त जानवरों और पौधों का पुनरुत्थान होगा। आर्टिफिशियल रेन और वेदर कंट्रोल के अन्य तरीकों से रेगिस्तान हरे भरे जंगलों में तब्दील हो जाएगा। जहरीली झील और नदियों को साफ किया जाएगा और समुद्री जीवन को एक बार फिर से समर्थन देने के लिए ओशंस का डी एसिडिफिकेशन और कूलिंग किया जाएगा। ऐसी सिविलाइजेशन में वेस्ट भी बर्बाद नहीं होगा। एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज लगभग सभी डिस्कार्डेड मटेरियल्स को रीयूज कर सकती है, उन्हें वापस एनर्जी या अन्य यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है। ये नियर जीरो वेस्ट सोसाइटी की शुरुआत करेगा, जहां प्रत्येक प्रोडक्ट को एफिशिएंटली रीयूज किया जाएगा, जो हमारे ग्रह के साथ एक सस्टेनेबल और हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस सुनिश्चित करेगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने होम प्लैनेट को एनहेंस और मॉडिफाई करने के लिए बड़े पैमाने पर प्लैनेटरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है। इसमें नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल करना, एनवायरमेंटल इश्यूज को कम करना और ग्रह की ओवरऑल हैबिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना शामिल हो सकता है। वे क्लाइमेट को स्थिर करने और फर्दर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक्स जैसे लार्ज स्केल जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तैनात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे कोस्टल रीजन्स को बढ़ते सी लेवल से बचने के लिए समुद्री दीवार या आर्टिफिशियल आइलैंड्स जैसी वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप 1 सिविलाइजेशन इनहॉस्पिटेबल प्लैनेट्स को ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए रहने योग्य बनाने के लिए एम्बिशियस टेराफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकती है। इसमें एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करने, प्लांट लाइफ को इंट्रोड्यूस करने और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जिससे बंजर जमीन को भी हैबिटेबल बनाया जा सकता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन के इस लेवल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद उन्हें अभी भी चुनौतियों और कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विलुप्त होने की जोखिम भी शामिल है। एस्टेरॉयड इंपैक्ट या अन्य एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जैसी कॉस्मिक इवेंट्स का डिटेक्शन, प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज की आवश्यकता होगी। वास्तव में एडवांस होने के लिए उन्हें उन डिजास्टर्स की तुलना में तेजी से बढ़ने की जरूरत है जो उन्हें मिटा सकती है, जैसे कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स। टाइप 1 सिविलाइजेशन को स्पेस में ट्रैवल करके डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को दूर धकेलने में भी सक्षम होना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें बड़ी समस्याओं से बचने के लिए आइस एज की भविष्यवाणी करनी होगी और ऐसा होने से पहले ही क्लाइमेट में बदलाव करना होगा। इसीलिए टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का मतलब सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी होना नहीं है, ये स्मार्ट होने और ग्लोबल स्केल पर एक साथ काम करने, डिजास्टर्स के लिए तैयारी करने और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि हम ना केवल पृथ्वी पर बल्कि उससे परे भी रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन विभिन्न ग्रहों और चंद्रमाओं पर खुद को नियंत्रित करने के तरीके स्थापित करेगी। ग्रहों के बीच कम्युनिकेशन और ट्रैवल करने की क्षमता के साथ टाइप 1 सिविलाइजेशन ग्लोबल गवर्नेंस की एक सिस्टम डेवलप करेगी और इंटरप्लैनेटरी ट्रेड और कोऑपरेशन में एंगेज होगी। इस भविष्य में एक महत्वपूर्ण विकास चंद्रमा में होगा, जो अब लाखों स्थायी निवासियों के साथ सभी स्पेस कॉलोनीज में सबसे घनी आबादी वाला स्थान बनेगा। साथ ही मंगल ग्रह एक एम्बिशियस टेराफॉर्मिंग प्रोजेक्ट से गुजरेगा,
और वीनस के पोटेंशियल कोलोनाइजेशन के संबंध में विचार होगा। इनर सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड माइनिंग सेक्टर में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे मनुष्य के लिए पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट होगा। हजारों एस्टेरॉयड्स एक साथ माइन किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट के कारण प्रेशियस मेटल्स का सावधानीपूर्वक एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। सबसे बड़े एस्टेरॉयड को विशाल पावर प्लांट, रिसर्च स्टेशन और सेटलमेंट्स में रिनोवेट किया जाएगा। जुपिटर पर इंडिविजुअल्स का लगातार आगमन होगा, जिसमें से अधिकांश भारी रूप से मॉडिफाइड ट्रांसह्यूमंस और इंटेलिजेंट रोबोट्स होंगे। जुपिटर पर अबंडेंट रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को निकाला जा सकता है, जिससे अपर एटमॉस्फेयर में फ्लोटिंग सिटीज और विशाल रिफाइनरीज बन सकती हैं। इसके साथ ही जुपिटर के मून्स का उपयोग उनकी मेटल्स, मिनरल्स और आइस के लिए किया जा सकता है। सैटर्न के रिंग्स एक शानदार डेस्टिनेशन बनेंगे, जिसमें उनके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले होटल्स होंगे, जो इस प्लैनेट के ब्रेथटेकिंग व्यूज पेश करेंगे। गेस्ट्स इन होटलों के बाहर सैटर्न के रिंग्स में धीरे धीरे हिलती बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के बीच तैरते हुए सैर कर पाएंगे। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा, पूरे शहरों के लिए एक निवास स्थान के रूप में विकसित होगा, जबकि सैटर्न के चंद्रमाओं में से एक एनसेलेडस, जिसके बर्फीली परत के नीचे लिक्विड वाटर का एक ओशन है, वह आउटर सोलर सिस्टम में सेटलमेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण वाटर सोर्स के रूप में काम करेगा। यहां तक कि डिस्टेंट प्लैनेट्स जैसे यूरेनस और नेपच्यून भी गैस माइनर्स के आगमन के साथ गतिविधि के केंद्र बन जाएंगे। मिनरल्स और आइस एक्सट्रैक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्लूटो और काइपर बेल्ट इस इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त नहीं है। काइपर बेल्ट नेपच्यून से परे एक विशाल क्षेत्र, जो ट्रिलियन ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और आइसी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है, उसे इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जाएगा। स्मार्ट मटेरियल्स का इंटीग्रेशन पूरे सोलर सिस्टम में एक आम विषय बन जाएगा, जिसमें एस्ट्रॉइड्स और चंद्रमाओं की सतहों पर न्यूरल नेटवर्क्स शामिल होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑटोमेटेड माइनिंग ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करने में सक्षम बनाती है। यूरेनस और नेपच्यून जैसे डिस्टेंट प्लैनेट्स अब हमारे सोलर सिस्टम को ज्यादा कनेक्टेड और एडवांस बनाने में लगे होंगे। वे हमारे स्पेस नेबरहुड को हाईटेक सेलेस्टियल बॉडीज के नेटवर्क में बदलने के बड़े विचार में योगदान देंगे। जैसे जैसे भविष्य सामने आएगा, मानवता की पहुंच पृथ्वी की सीमाओं से परे बढ़ेगी, एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगी जहां ब्रह्मांड की हमारी खोज सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक सॉलिड रियलिटी बन जाएगी। हम ऑलरेडी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के संकेत देख सकते हैं, जैसे कि कैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन रही है, इंटरनेट हम सभी को जोड़ रहा है, एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बन रही है और सोशल मीडिया एक शेयर्ड ग्लोबल कल्चर को आकार दे रहा है। पेपर और आईसीस जैसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री को देखते हुए हम एक ऐसी सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरे प्लैनेट्स तक फैली हुई है और इंटरनेट एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह है। वर्तमान में हम अभी केवल टाइप 0.73 लेवल पर हैं, जो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी एनर्जी को हार्नेस करने से बहुत दूर हैं। जिस प्रकार साल दर साल ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, हम अगले 100 से 200 साल में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो कुछ हद तक मिचियो काकू की किताब फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर से प्रेरणा लेकर बनी है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा AI के एवोल्यूशन और उसके 10 स्टेजेस पर भी एक वीडियो बनी है, आप उसे भी जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।